हेलो हेलो हेलो। सर आइए। हाँ हाँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर। आपको स्क्रीन पे दो शक्ति चक्र दिख रहे हैं? हाँ जी सर। हाँ, तो ये जो शक्ति चक्र के बारे में आप क्या जानते हो, कुछ जानते हो वास्तु के हिसाब से? लेकिन हाँ सर, इसमें जैसे इसमें से ये जो जोन्स में ये कटा हुआ रहता है अपना जो प्लॉट है, इसके हिसाब से इसके जो पार्ट्स करने होते हैं। देखिए, अभी मैं आपको सबसे पहले ये समझाना चाहता हूँ, मेरी जो ये अभी स्क्रीन पे दो शक्ति चक्र है, मेरा क्रशर देखोगे तो एक ये एक शक्ति चक्र पे एक क्रशर घूम रहा है, वो दिख रहा है आपको? जी अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक पूरा यहाँ पे एक अंदर एक मैप बनाया हुआ है, हाँ जी और यहाँ पे इसका सेंटर निकाला है, घर का सेंटर। उसके ऊपर ये शक्ति चक्र करके एक इंस्ट्रूमेंट आता है, वो इंस्ट्रूमेंट हमें इस तरह से यहाँ पे सेट करना पड़ता है। पहले यहाँ के घर की हमें डिग्री लेनी पड़ती है कंपास के जरिए, वो जो बात की बात है वो बाद में मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ से आप इधर देखेंगे तो इधर नॉर्थ दिखता है, जी और नॉर्थ के ऊपर ये कौन सा कलर दिख रहा है? ब्लू कलर। तो ये कलर यहाँ पे क्यों दे रखा है, उसका कुछ आपको पता है? बिकॉज ब्लू कलर वाटर रिप्रेजेंट करता है यस तो यस यस, यानी आप जान रहे हो। ओके, यहाँ की और यहाँ के ये लक्षण क्या लिखे हुआ है यहाँ पे, मनी अपॉर्चुनिटी। यानी वो आप समझ रहे हो। अगर कोई भी बंदा हमें ऐसा बोलेगा कि हमारे दुकान के अंदर सेल नहीं है, तो हमें सबसे पहले उसका कौन सा जोन देखना पड़ेगा? नॉर्थ जोन। हाँ, तो नॉर्थ जोन में यहाँ पे ब्लू कलर है, यानी यहाँ जल तत्व। अगर समझो यहाँ पे इसकी 360 डिग्री पे हम साउथ की बात करेंगे तो ये कौन सा कलर है? रेड कलर। अगर ये कलर यहाँ पे आ गया तो क्या हो जाएगा, हाँ वहां पे फायर एलिमेंट आ जाएगा। तो वास्तु दोष बनेगा। ये सबको तो आपको पता ही है ना? नहीं सर, ये मुझे एकदम अच्छे से नहीं पता है, ये आप मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा। ओके ओके ओके, फिर यहाँ पे आप बात करेंगे तो ये कौन सा जोन बन रहा है? NNE। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे हेल्थ इम्यूनिटी, यानी अगर कहीं कोई कोई हमें क्लाइंट अगर हमें कंप्लेन करेगा कि मेरे घर के अंदर हेल्थ की प्रॉब्लम से, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम से हम आए दिन बीमार पड़ जाते हैं, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट अगर हमें प्राप्त होती है विजिट विजिट के हिसाब से, तो हमें यहाँ पे नजर ना हम यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। अच्छा ओके, अब स्कैनर ओके हमें ओके स्कैनर हमें क्या काम करेगा, अगर हम स्कैनर लेके यहाँ पे बीच में खड़े हो जाएंगे ना, और स्कैनर में नॉर्थ की सैंपल डालेंगे, तो स्कैनर हमें नॉर्थ इंडिकेशन करेगा, ओके और स्कैनर में फिर हम डालेंगे पॉजिटिविटी एनर्जी के सैंपल, तो नॉर्थ की अंदर हमें कमांड देंगे कि भाई इस वास्तु के नॉर्थ जोन के अंदर की पॉजिटिविटी ऊर्जा कैसी है। तो स्कैनर की लैंग्वेज है वो, कभी 30% खुलेगा, कभी 40% खुलेगा, कभी 50% खुलेगा, और कभी 100% खुलेगा। तो जो एनर्जी की जो आप ओके बात कर रहे हो ना, तो वो स्कैनर हमें बताएगा कि एनर्जी का लेवल क्या है। अच्छा। अब बताओ, ऐसा कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट तो है ही नहीं कि हम यहाँ से खड़े हो जाएंगे और एनर्जी का लेवल माप सकेंगे। नहीं, एक्चुअली वो एनर्जी का लेवल तो आपके हिसाब से वो इंस्ट्रूमेंट से होगा। मेरा हाँ, कहना यही था जैसे आपने समझाया अभी, कि जैसे कोई बोलेगा कि हमें ये वाला इशू है, तो वी हैव टू हाँ कंपेयर कि हाँ ये इशू किस एनर्जी से आ रहा है, किस जोन से आ रहा होगा। हाँ यानी उधर एनर्जी से तो नहीं, जोन 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 शब्द हम यूज करेंगे, किस क्षेत्र से या किस जोन से वो प्रॉब्लम आ रही है। अब वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो उसका वास्तु के बेसिक में जाना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं वापिस नॉर्थ जोन की, तो नॉर्थ जोन में ये ब्लू कलर यानी वाटर एलिमेंट आ गया, तो वाटर संबंधित कोई भी चीज यहाँ पे आएगी। अब गलती से वाटर संबंधित अगर किसी ने यहाँ पे टॉयलेट बना दी, तो टॉयलेट क्योंकि एंटी एक्टिविटी हो गई, तो अब सर नॉर्थ जैसे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में तो चलती है ना टॉयलेट, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में। हाँ देखिए, ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, यहाँ पे टॉयलेट सेकंड स्टेज पे चलेगी।